इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बात करते हैं इस ईद मिलाद के मौके पर योम रहमत या कंपैशनेट डे या करुणा दिवस के ताल्लुक से हम बात करेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेकर वफात तक की ज़िंदगी दूसरों के लिए रहमत थी और क़यामत तक के लिए औरों के लिए एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि कुफ्फार मक्का तक आपको अमानतदार और सच्चा मानते थे। माफ़ करना और दरगुजर करना आपका मिजाज था। जंगे हुनैन के मौके पर भागते हुए एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पर पांव रखा, जिसकी वजह से तकलीफ़ और हड़बड़ाहट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को लकड़ी मार दी। वो सहाबी रात भर ये सोचते रह गए कि मैंने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुंचाई, अब मेरी दुनिया और आखिरत दोनों गई। सुबह ऐलान हुआ कि जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पर पैर रखा वो तशरीफ़ लाएं। वो सहाबी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी मारने की वजह से माफ़ी तलब की और उन सहाबी को 80 ऊंट हदीये में दे दी। ये था किरदार आपका। एक और वाक़या आपको बता दूं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के नीचे सोए हुए थे कि एक दुश्मन ने आप पर तलवार तान दी और कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह बचाएगा। ये कहते ही तलवार उस शख्स के हाथ से गिर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। फिर उस शख्स ने जवाब दिया, तुम बचाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कलमा पढ़ोगे? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया। ये थे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान और गैर मुसलमानों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम ने कभी मज़हब के नाम पर कोई तफरीक करके कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। महकल या छाट जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री के ज़मरे में पहला रैंक देने के वजूहात में से एक वजह ये भी बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी होने के साथ साथ दुनियाई एतबार से सेकुलर भी थे, कि आपने कभी मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और तालीमात रहती दुनिया के लिए मशाल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बईसत के बाद बहुत सारे समाजी इस्तलाहात यानी सोशल रिफॉर्म्स हुए, जैसे औरतों के हुकूक, गुलामों के हुकूक, यतीमों और गरीबों की निगहबानी और अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करना वगैरह वगैरह। आज उस नबी पाक के उम्मती होने और रसूल के रसूल होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नबूवत के काम को आगे बढ़ाएं और उन अखलाक और किरदार को अपनी ज़िंदगी में लाते हुए इंसानियत के काम को आगे बढ़ाएं, जिसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती है। कुछ ही दिनों में ईद मिलाद का दिन आ रहा है और इस दिन योम रहमत यानी करुणा दिवस या कहिए कंपैशनेट डे के तौर पर मनाने की बात चल रही है। इस दिन करना ये है कि सीरत को याद करते हुए कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती है। कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूरतमंदों की मदद करे, कोई किसी के इलाज के लिए मदद करे, कोई किसी के
तालीम के लिए खर्च करे, कोई ज़रूरतमंद के लिए खाने का इंतज़ाम करे, कोई किसी का खर्च का बोझ हल्का करे, कोई बेगुनाह कैदी को रिहाई का इंतज़ाम करे, या कोई और खिदमत खल्क का काम करे जिसका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलता है। अजीज़ दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली कुछ कर दिखाने का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली कुछ हमें कर दिखाना है, हम कमर बस्ता होंगे कि आज हमें सीरत के इस दिन, सीरत के इस मौज़ों पर कुछ ऐसा हम करें जिसके ज़रिए दुनिया के लिए एक सबक मिले और दुनिया के लिए अपने आप में एक दावत वाला काम हो जाए। और आखिर में मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और ख़ुद भी कुछ कार खैर का अज़्म कर ले कि मुझे आज के दिन कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मेरे नबी का नाम दुनिया में और रोशन हो जाए। और मुझ पर ये जो ज़िम्मेदारी है इस कार नबूत की, इस पर मैं अमल करते हुए कुछ न कुछ करने की कोशिश करूँ। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।